हेलो मेरे दोस्त यार, कैसे हैं आप सब। नमस्ते वेलकम टू समस्ते। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जानकारी देने जा रहा हूँ M1014 इनक्यूबेटर का रिटर्न के बारे में। अब तक आप लोगों को गेम के अंदर M1014 का इनक्यूबेटर वापस देखने के लिए मिलेगा या फिर नहीं, इसके बारे में आप लोगों को पूरा जानकारी दे दूंगा। उसके साथ साथ हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ फ्री चीजों के बारे में जो कि आप लोगों को गेम के अंदर रमजान इवेंट के चलते देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये वाला वीडियो समझ सकते हो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल साबित हो सकता है। वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट बस आप सब करना चाहूंगा, वीडियो को अभी से एक छोटा सा लाइक कर देना आप लोग हमारे लिए, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लेना और उसके साथ साथ साइड वाला बेल आइकन को आप लोगों को ऑल पे डाल देना है। दैट्स इट। अगर आप लोगों ने मेरे लिए ये सारा काम कर दिया तो फिर दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों के लिए। चले फिर बिना किसी देरी के, बिना किसी वक्त बर्बाद किए शुरू करते अपना आज का वीडियो एंड शुरू करते अपना आज का कार्यक्रम। दोस्तों वीडियो के अंदर सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं गेम के अंदर आने वाला रमजान इवेंट के बारे में, क्योंकि दोस्तों फ्री फायर ने ही यहाँ पे कंफर्म बता चुके हैं कि यार इंडियन सर्वर के अंदर आप लोगों को रमजान का इवेंट बहुत जल्दी देखने के लिए मिल जाएगा। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में आप लोगों को जानकारी देना इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। सबसे पहले हम लोग बात करना चाहेंगे कुछ बंडल्स के बारे में जो बंडल्स आप लोगों को रमजान इवेंट के चलते इंडिया में देखने के लिए मिलने वाले हैं। आप लोग देख सकते हो कुछ इस टाइप का मेल बंडल आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा रमजान इवेंट के चलते, वो भी अपना इंडियन सर्वर के अंदर। मेल बंडल मुझे खास लगा, बहुत अच्छा लगा दोस्तों। बाकी ये वाला बंडल आप सभी को कैसा लगा आप लोग देख सकते हो, कितना शानदार लुक के साथ ये वाला बंडल आप लोगों को दिया जा रहा है। तो ये वाला बंडल आप लोगों को कैसा लगा ये चीज आप लोग मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बता सकते हो। मेल वाला बंडल तो मैंने आप लोगों को दिखाई दिया, लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता होगा हमारे फ्री फायर के अंदर जब भी कोई इवेंट आता है उसके अंदर हम लोग को मेल बंडल के लिए थोड़ा बहुत डायमंड लगाना पड़ता है, लेकिन उसका जो फीमेल वाला वर्जन होता है फीमेल का बंडल हम लोगों को बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। रमजान इवेंट के चलते कुछ स्टेक पर फीमेल का बंडल भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा अपने इंडियन सर्वर के अंदर बड़े आराम से। जैसे हर एक इवेंट के अंदर हम लोगों को एक फीमेल का बंडल फ्री में दिया जाता था, आई थिंक ऐसा हो सकता है कि ये वाला बंडल आप लोगों को इंडिया में सभी को फ्री में दिया जाए। बस आप लोगों को कुछ टोकन कलेक्ट करना पड़ सकता है या फिर कुछ मिशंस कंप्लीट करना पड़ सकता है जिसके द्वारा आप लोग इस वाले बंडल को ले सकते हो। लेकिन दोस्तों आप लोगों को मैंने बता दिया ये चीज भी कि मेल बंडल के लिए डेफिनेटली आप लोगों को कुछ डायमंड गवाना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों वीडियो के अंदर हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं, दिखाना चाहूंगा आप लोगों को कि वो और कौन कौन सी चीजें हैं जो आप लोगों को वही रमजान इवेंट के चलते देखने के लिए मिलने वाले हैं अपने इंडिया के अंदर। सबसे पहले ये वाला बंडल को आप लोग देख लीजिए, ये वाला बंडल फेथ के थीम के ऊपर बेस्ड है। रमजान के इवेंट के अंदर आप लोगों को फेथ का बहुत सारे चीजें देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन हो सकता है ये वाला बंडल आप लोगों को सीधा सीधा रमजान इवेंट के अंदर ना दिया जाए एंड उसके साथ साथ ये वाला बंडल जो है आप लोगों को दिया जा सकता है कोई ना कोई इवेंट के अंदर। ये वाला बंडल एंड उसका फीमेल वाला वेरियंट दोनों की बात मैं कर रहा हूँ। हो सकता है आप लोगों को कोई इवेंट के चलते आप लोगों को ये दोनों बंडल दिया जाए, लेकिन दोस्तों ये दोनों बंडल भी आप लोगों का फेथ एंड होप के ऊपर बेस्ड है। बाकी यार ये M1887 का स्किन को आप लोग देख सकते हो, ये फेथ थीम के ऊपर बेस्ड है। हम लोगों ने ऐसा देख चुके हैं कि फेथ थीम के ऊपर जो चीजें आप लोगों को इस वाले अपडेट के अंदर देखने के लिए मिला है वो सारा चीजें आप लोगों को रमजान इवेंट के अंदर दिया जा रहा है। अगर हम लोग M1887 की बात कर ले तो बहुत अच्छा M1887 का स्किन है, हो सकता है ये आप लोगों को रोल द डाइस इवेंट के अंदर देखने के लिए मिल जाए। वैसे दोस्तों रोल द डाइस इवेंट के अंदर अगर आप लोगों को ये वाला M1887 का स्किन देखने के लिए मिलता है तब कोई भी फायदा नहीं है यार, 2000-3000 तक डायमंड चला जाएगा। लेकिन अगर इसको वेपन रॉयल के अंदर डालता है गरना फ्री फायर फर्स्ट टाइम के लिए, अगर कोई भी M1887 का स्किन वेपन रॉयल के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिलता है तब तो यार मौज ही मौज है, आप लोग ले सकते हो बड़े आराम से इस वाले M1887 का स्किन को। उसके बाद आप लोगों को एक कटाना का स्किन देखने के लिए मिलता है जो कि बहुत ज्यादा ओपी दिखता है, बहुत ज्यादा प्यारा दिखता है। एंड उसके बाद आप लोगों को ग्लोवाल का स्किन देखने के लिए मिल जाता है जो कि अगेन फेथ थीम के ऊपर बेस्ड है। मैंने आप लोगों को बार बार बताया है कि ये जो पूरा चीजें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ सारे के सारे फेथ थीम के ऊपर होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों यही फेथ थीम का ही बहुत सारे चीजें आप लोगों को रमजान इवेंट के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड स्पीड कार का स्किन को भी आप लोग देख सकते हो, उतना ज्यादा ओपी नहीं लगा मुझे ये वाला स्पीड कार का स्किन, ठीक है बाकी जो स्पीड कार का स्किन है उनके कंपैरिजन में, लेकिन हाँ ठीक ठाक सा है ऐसा आप लोग बोल सकते हो। उसके बाद आप लोगों को गिटार वाला बैकपैक देखने के लिए मिलता है, लेकिन ऐसा बैकपैक अपने इंडिया के अंदर क्या सारे के सारे सर्वर के अंदर और एक बार आ चुका है। अगर आप लोग फ्री फायर को बहुत टाइम से खेलते हो आप लोगों को इसके बारे में पता होगा कि ये वाला बैकपैक के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कलर चढ़ाया गया है। एंड उसके बाद जो चीज आप लोगों को देखने के लिए मिलता है कुछ इस टाइप का सरबोर्ड आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, इसके ऊपर भी सिर्फ और सिर्फ कलर चढ़ाया गया है क्योंकि CRJ7 जब हमारे गेम के अंदर क्रोनो आया था ना
उस टाइम हम लोगों को इस वाले सर्वर देखने के लिए मिला था कुछ अलग कलर में, ब्लू कलर में देखने के लिए मिला था। ये वाला नहीं जो स्क्रीन के सामने अभी प्ले हो रहा है, इसके पहले वाला सर्वर की हम लोग बात कर रहे थे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा कुछ इस टाइप का लूट क्रेट का स्किन। एंड अगेन इसके ऊपर भी कलर चढ़ाया गया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो इस टाइप का आप लोगों को लूट बॉक्स पहले भी देखने के लिए मिल चुका है। एंड उसके बाद रमजान इवेंट के चलते आप लोगों को ये वाला लूट बॉक्स भी देखने के लिए मिल सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों यही सब आइटम्स थे जो आप लोगों को रमजान इवेंट के चलते इंडिया में देखने के लिए मिल सकते हैं। बहुत सारे चीजें फेद का होने वाले हैं मेरे ख्याल से। तो जो बंडल मैंने आप लोगों को दिखाया, पहले जो बंडल दिखाया था दो बंडल व्हाइट कलर के, वो दोनों बंडल आप लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं इंडियन सर्वर के अंदर रमजान इवेंट के चलते। मेरे प्यारे दोस्तों मैंने अभी अभी आप लोगों के सामने बहुत सारे आइटम्स का रिव्यू किया, जैसे कि ग्लोवाल का स्किन हो गया, पैरासूट, सरपोर्ट या फिर आप लोग बात कर लीजिए बहुत सारे बंडल का। इसमें से सबसे ज्यादा बेस्ट चीज आप लोगों को कौन सा लगा? एंड हाँ दोस्तों और एक बात, रमजान इवेंट जब इंडिया में आएगा तब आप लोग इन सारे चीजों में से कौन सा चीज को लेना चाहोगे ये आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं अल्लाह से एंड भगवान से यही विश करूंगा कि आप लोगों का सारा विश पूरा हो जाए। चलिए दोस्तों वीडियो के अंदर हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। अभी फाइनली हम लोग वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं M1014 का बारे में, M1014 के इंक्यूबेटर के बारे में। क्या हम लोगों को अभी भी होप रखना चाहिए कि M1014 का इंक्यूबेटर हम लोग को वापस देखने के लिए मिलेगा या फिर नहीं, इसके बारे में आप लोगों को पूरा जानकारी देने वाला हूं। लेकिन दोस्तों वीडियो के अंदर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से मैं करना चाहता हूं। डेली में आप लोगों के लिए ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियोस बनाते रहता हूं। तो अगर आप लोगों को फ्री फायर का हर एक लेटेस्ट इवेंट, हर एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी सबसे पहले, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो आप लोगों को इस वाले वीडियो को एक लाइक कर देना है। उसके बाद अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, हमारे चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब भी कर लेना है, उसके साथ साथ साइड वाला बेल आइकन को प्रेस करके उसको आप लोगों को ऑल पे डाल देना है। याद से दोस्तों हमारे चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे डाल देना है। ये करने से क्या होता है दोस्तों, हम जो भी वीडियो डालते हैं फ्यूचर में उसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा जैसे ही हम लोग वीडियोस अपलोड करते हैं। तो कर लेना यार, सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फाइनली खुल के एकदम M1014 इंक्यूबेटर के बारे में। एकदम आप लोगों को ऑनेस्ट ओपिनियन देने वाला हूं मेरा। दोस्तों आई नो बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो लोग व्यूज के चक्कर में, व्यूज के लालच में आप लोगों को ये बता रहे होंगे कि M1014 का इंक्यूबेटर बहुत जल्दी आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को मना कर देता हूँ यार, M1014 का इंक्यूबेटर इतना भी जल्दी आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलने वाला है, क्योंकि गरना फ्री फायर को अगर M1014 का इंक्यूबेटर को इंडिया में वापस लाना था तो वो ला चुके होते, अभी तक वो लोग वेट नहीं कर रहे होते, क्योंकि बहुत जल्दी लगभग 7-8 दिन के अंदर ही आने वाले टाइम के ऊपर आप लोगों को M1014 का जो इवोल्यूशन वाला गन था ना वो आप लोगों को इंडिया में देखने के लिए मिल रहा है। थोड़ा सा आप लोग सोचिए दोस्तों, अगर M1014 का इवोल्यूशन आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है और अभी अभी अगर M1014 का इंक्यूबेटर आप लोगों को देखने के लिए मिल गया तो गरना फ्री फायर को तो लॉस हो जाएगा, क्योंकि लोग आइदर इसको परचेज करेंगे और उसको लेंगे, ठीक है। तो फ्री फायर कभी उनका लॉस नहीं चाहते हैं, हमेशा वो लोग प्लस में रहना चाहते हैं। आप लोगों को इसके बारे में तो ज्यादा पता होगा मेरे से। अभी आप लोग मुझे ये सवाल जरूर करोगे, मुझे पता है कि भाई आपने ये तो बता दिया कि M1014 का इंक्यूबेटर अब हम लोग को वापस देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन कब तक, एक टाइम हम लोग को बता दीजिए ना कि कब तक हम लोग को इंक्यूबेटर वापस देखने के लिए मिल सकता है। तो आप लोगों को बता दूं ये जो महीना चल रहा है ना, फर्स्ट में ऑलरेडी हो चुका है जो मैं वीडियो बना रहा, तो मई के महीने के अंदर आप लोगों को M1014 का इंक्यूबेटर बिल्कुल भी वापस देखने के लिए नहीं मिलेगा। हो सकता है आप लोगों को जून या फिर जुलाई को M1014 का इंक्यूबेटर वापस देखने के लिए मिल जाए, उसके ऊपर भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन फर्दर मेरे को जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है M1014 का इंक्यूबेटर के बारे में, सबसे पहले आके मैं जानकारी आप लोगों को दे दूंगा। लेकिन अभी के लिए जो जानकारी मेरे पास था मैंने वो आप लोगों को सबसे पहले तो दे दिया। बाकी यार कमेंट करके एक चीज जरूर बताइएगा, आप लोग M1014 का इवोल्यूशन वाला गन जब आएगा आप लोगों के लिए, आप लोग उस टाइम गन को परचेस करने वाले हो कि नहीं करने वाले हो, कमेंट जरूर करना। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए कर देना चाहता हूं, डेली इसी टाइम के ऊपर ही लॉन्ग वीडियोस आते रहेंगे। एंड रात के 12 बजे के बाद क्या अपडेट आएगा, इवेंट आएगा या फिर कोई भी इवेंट अपडेट नहीं भी आता है ना, 9:30 बजे से लेकर के 9:40 तक आप लोगों को रात में एक वीडियो पक्का देखने के लिए मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए दोस्तों आज का वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मैं मिलते हूं आप सभी से किसी ने कुछ वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे करते रहो, अपने सारे एनिमीज को मारते रहो।